51,000 एक हेल्दी बजट है जो आपको रखना चाहिए, जो आपको कार पे खरीदने के बाद लगाना चाहिए। और ऑलरेडी हम आपको गाड़ी 2-4 लाख तो मार्केट से सस्ती दिला देते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी कोई कस्टमर आपसे कार ले यार, उसको ये ना लगे कि मैंने एक सेकंड चीज ली है। मैंने एक शोरूम से जाके कोई 11-12-13 लाख की क्रेटा शोटा फुद्दू से लेनी थी, वो लेने के बजाय मेरे को एक घर पर इतनी सुंदर बढ़िया कार आ गई जिसको मैंने लेना है एंड जस्ट हैव टू ड्राइव इट हार्ड एंड जस्ट एंजॉय इट। मेजर सर्विस विद डीजल फिल्टर 12,500 रुपए। सो पॉइंट इज, डू वांट टू रेस? ट्राई करते हैं। कौन ब्रो? हेलो एवरीवन। तो ये बहुत स्पेशल 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 वीडियो है, उसका कारण ये है, ये गाड़ी, आई हैव रियली फॉलन इन लव विद दिस कार। एंड जैसा मैंने पहले बताया था, आई थिंक वो वीडियो मैंने डाली, द रीजन आई स्टार्टेड दिस वर्थ इन राइड इज बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई मैक्सिमम कार्स। तो मैं जब छोटा था ना, तो मेरे को कोई पूछता था कि यार कि मैं आई जस्ट यूज टू सी पीपल की क्या नाम है कि हाउ कैन यू हैव मैक्सिमम प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड, राइट? कैसे? इफ यू आर इन द होटल बिजनेस, फिर आपकी कितने सारी शेयर होल्डिंग होगी, कितना कुछ होगा, आप जहां जाओगे आपको यार ये होटल मेरा। सेकंड थिंग, हाउ कैन यू एंजॉय मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स? वन ऑप्शन इज कि आप एक गैराज में सारी गाड़ियां रख लो, इम्प्रैक्टिकल। सेकंड थिंग इज यू हैव अ बिजनेस ऑफ कार्स। और मैंने ये तब भी रियलाइज करा कि मैंने लास्ट 3-4 साल में 5-6 लग्जरी गाड़ियां बदली, पर जाना रियलाइज सेंस कि ये भी अभी इनफ नहीं है। तो मेरे को था यार कि ऐसा काम शुरू करो जिसके अंदर यू कैन ट्राई न्यू कार्स एवरी डे। सो नाउ आई एम बाइंग कार्स फॉर पीपल एंड एवरी अदर वीक आई हैव अ डिफरेंट कार्स टू एक्सप्लोर एंड आई एम एबल टू एंजॉय देम टू माय कोर एंड इट्स सच अ गुड एक्सपीरियंस। नो डाउट आई लव टेकिंग केयर ऑफ देम। तो मैं गाड़ी खरीदवा के उसकी मेंटेनेंस करवा के सारा कुछ करवा के देन आई हैंड इट ओवर टू द कस्टमर, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट होल पार्ट जो मैं जर्नी उस कार के साथ स्पेंड करता हूँ, दैट्स रियली अमेजिंग। कमिंग बैक टू दिस A3, दिस इज द बेस्ट ड्राइवर्स कार आई हैव एवर एक्सपीरियंस इन लास्ट 2-4 ईयर्स। अगर इफ यू टेल मी, गिव मी वन लाइन टू एक्सप्लेन दिस, दिस इज आई वुड से इफ यू वॉन्ट टू गो द फास्टेस्ट इन द लोएस्ट फ्यूल एंड इन अ लग्जरी कार, आई थिंक दिस इज योर कार। मैंने इस गाड़ी से 25-25 के माइलेज निकाल लिया बिना निकालने की ट्राई करे हुए। नॉर्मल क्रूजिंग चंडीगढ़ टू लुधियाना या लुधियाना टू चंडीगढ़, नॉर्मल क्रूजिंग एट 100, दिस कार इज गिविंग 24 kmpl, 25 kmpl, एंड व्हेन यू ड्राइव इट रियली रैश, दैट इज 160-170। जब मैं दिल्ली चंडीगढ़ या चंडीगढ़ लुधियाना मेरे को आधे पौन घंटे में करना होता है, लिटरली आई एम लाइक गोइंग लाइक अ रॉकेट, तब भी ये गाड़ी 13-14 के माइलेज दे रही होती है, जो बहुत ज्यादा है एट दैट स्पीड्स। And that is what I really love about this car. It is tightly set up. Suspension बहुत stiff है, इतनी चिपक के चलती है। इसका size Hyundai Accent वाला है। ये सबको सुन के बहुत अजीब लगेगा और ये कभी भी इस गाड़ी को देख के आपको पता नहीं लगेगा, बट इट इज सो कॉम्पैक्ट एंड सो, मतलब आपको इस गाड़ी में बैठ के कभी नहीं लगेगा कि यार गाड़ी छोटी है। जब तक आप किसी के साथ इसको खड़ा होगे नहीं, तब तक आपको पता लगेगा कि ये कार छोटी है। बट इसके छोटे और स्टिफ करके और 2 लीटर का डीजल इंजन देके 150 bhp अराउंड इसकी पावर है, 140-150, द वे इट गेट्स डिलीवर्ड इज अमेजिंग। दिस इज लाइक कि ऑडी के इंजीनियर ने बोला यार कि BMW की मिनी कूपर का कोई कॉम्पिटिशन निकाल लो, एक ऐसी कॉम्पैक्ट कार बनाओ जो गो कार्ट की तरह जाए, एंड दिस इज दैट A3। एंड आई एम एस्टोनिश्ड बिकॉज मैंने आज तक A3 के बारे में ये सब कभी भी नहीं सुना। दिस इज व्हाट आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस इन लास्ट 1 वीक ऑफ हैविंग दिस कार। कल ये कार डिलीवर हो जाएगी कस्टमर को। ऑल दिस एक्सपीरियंस की मैंने कैसे खरीदी, कहां से ढूंढी, क्या करा, दैट इज ऑल रियली एंटरटेनिंग एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज एन अमेजिंग कार यार। सो यार सबसे इम्पोर्टेंट क्या था ये गाड़ी ढूंढने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्जिन राइड्स में मैं सबके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ पहले टू फाइनलाइज कि उनको कौन सी कार चाहिए। द थिंग इज, आपको अगर याद होगा जब मैं पहले रिव्यूज बनाता था, वीडियोस बनाता था, तो लोग मुझे कहते थे BMW ऑडी के भी बनाओ। तो मैं तब चलाता था इको स्पोर्ट, उससे पहले चलाता था रिट्स। तो मैं तब भी ये बोलता था कि आज मैं रिट्स चला रहा हूँ और इको स्पोर्ट चला रहा हूँ, आज मैं कोई भी BMW में बिठा दो मुझे वो बहुत अच्छी लगेगी, आई विल नॉट बी एबल टू कंपेयर देम। बट सिंस इन द लास्ट 2-3 ईयर आई बीन लिविंग इन दिस कार्स, ड्राइविंग देम डेली, आई स्पेंड अराउंड 1 to 1.5 lakh kilometers ड्राइविंग डिफरेंट कार्स, आई कैन एक्चुअली नाउ अंडरस्टैंड देयर DNA एंड आई कैन एक्चुअली कंपेयर देम फ्रॉम वन वेरिएंट टू अनदर एंड वन मॉडल टू अनदर। और मेरे सारे कस्टमर हैं जो पहली लग्जरी कार लेना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हेल्पिंग देम टू टेक दैट प्लान, और उनके मन से सारे डर निकाल देता हूं एंड लेटिंग देम चूज द राइट लग्जरी कार। बिकॉज इंडिया के लिए लग्जरी कार है, देर आर कंट्रीज जहाँ पे ब्रांड ही ये वाले हैं, उनके लिए वो बेसिक कार्स हैं। तो ये हमारे गरीबी है जो हम उनको लग्जरी कार्स बोलते हैं। पॉइंट इज, तो कोई भी बंदा जो ऑलरेडी पुरानी गाड़ियां चला रहा है उसको नहीं पता होता यार कि मेरे लिए ऑडी बेटर है, BMW बेटर है, मर्सिडीज बेटर है, उनका भी कौन सा वेरियंट बेटर है। एक नॉर्मल बंदे के लिए BMW X1 और X5 शायद सेम हो, बट कंपनी वाले उन गाड़ियों को वैसा नहीं बना रहे। हर कार का सब कुछ बिल्कुल प्रायोरिटी अलग है, एंड जो बंदा, जो भी कस्टमर मुझे हायर करता है, एंगेज करता है, उनकी सबकी प्रायोरिटी टोटली अलग है। लाइक लास्ट वीडियो दैट आई बॉट फॉर डॉक्टर संधू A6, उनका प्रायोरिटी थी यार कि हम 90% सॉफ्टवेयर ड्रिवन ड्राइव करते हैं। अब मैं उनको कोई GLA ले दूं या सी क्लास ले दूं या कोई 3 सीरीज ले दूं या लोअर सेगमेंट वाली गाड़ियां ले दूं, तो उनको रियर सीट में उतना मजा नहीं आएगा।
नो डाउट अगर मैं उनको ले दूंगा उनको पता नहीं लगेगा, उनको लगेगा ये भी बहुत अच्छी है बिकॉज उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं करा हुआ। बट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको आपके परफेक्ट बजट में आपको कौन सी कार अच्छी दिलाऊं, क्योंकि सेकंड हैंड में हर पैसे में सब कुछ आ जाता है। अब बोलो मेरा ये बजट है, उसी बजट में हर तरह की गाड़ी आ जाएगी। एंड क्योंकि कंडीशंस किलोमीटर से और मेंटेनेंस पे ज्यादा होती है, सालों का फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स लाइक द बेस्ट वर्ल्ड आउट देयर। आपको मेरे पास 12 लाख है, 13 लाख है, 14 लाख है, मैं उसमें आपको एस क्लास भी दिला दूंगा, आपको सी क्लास भी दिला दूंगा, आपको सबसे छोटी वाली कार भी दिला दूंगा। दैट्स व्हाट यू वांट, दैट्स व्हाट यू, मतलब आपके ऊपर है कि आपका क्या मन करता लेने का। सो इनका बड़ा क्लियर एजेंडा था कि बेटा मेरे पास फिगो है जिसको मैं 180 पे चलाता हूं, प्लेन वन लाइन, दैट इज द कार आई वॉन्ट टू हैव, मेरे को ऐसे की गाड़ी चाहिए। एंड आई वॉज लाइक वेरी क्लियर शॉट यार आपके लिए एक ही गाड़ी बनी है, दैट इज ऑडी A3। और वो कह रहे थे यार कि A3 थोड़ी छोटी है, हम A4 ले लेते हैं। बट दैट इज वेयर आई कम टू द पिक्चर, आई लाइक रियली नो कार्स, सो आई वॉज वेरी श्योर शॉट। मैं कहा देखो जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना वो A3 ही पूरी करेगी। मैं कहा A4 इज गुड, ठीक है, A6 भी अच्छी है, ठीक है, बट जो आपने मुझे एक प्रायोरिटी दे दी दैट आई वॉन्ट टू ड्राइव एट 170-180 एंड आई वॉन्ट अ डेली ड्राइवर कार, एंड दैट इज द कार जो मेरे को बहुत पसंद है, एक फीगो लवर। एंड आई टोल्ड देम, मैंने कहा जब बॉडी वालों ने सोचा होगा ना यार कि जो लोग फीगो चलाते हैं और बहुत भगाते हैं उनको यार अपग्रेड करना हो तो उनको कौन सी गाड़ी में करना चाहिए, वेरी वेरी लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव देन देयर ओरिजिनल फीगो, देन दे विल रियलाइज कि यार इट्स द परफेक्ट कार दैट दे कुड एवर वांट। इट्स एन ऑटोमेटिक DSG 0-100 इन 8 सेकंड्स एंड देन इट इज सुपर स्टेबल एट 170 एंड 180। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स स्टिफ सस्पेंशन एंड इट्स सेटिंग, ये बनी ही 100 के बाद उड़ाने के लिए है, इतनी जबरदस्त गाड़ी है, इतनी जबरदस्त गाड़ी है। और अभी मैंने उनको कार डिलीवर करनी है, वो मेरी बातें सुन सुन के ही, मैं उनको वीडियो भेज चुका हूँ, माइलेज की भेज चुका हूँ, कहता है यार एक ही गाड़ी है यार, जो मुझे यही था कि फीगो इतनी भागती भी और इतनी अच्छी माइलेज भी देती है। एंड देवर एस्टोनिश यार कि ऐसी गाड़ी को लग्जरी में भी मिल सकती है। ऑनेस्टली नॉर्मल भी अब कार चलाओ, अब मैं इसको भगा के लाया हूं, अभी भी ये 16-17 की नॉर्मल माइलेज दे रही है। तो दिस इज लाइक वेरी नॉर्मल फॉर दिस कार, डेली ड्राइविंग अगर थोड़ी देर भी हाईवे पे जा रहे हो, इधर उधर शहरों में जा रहे हो, 22-23 इट्स नॉर्मल, सो इट्स so cheap to maintain. Then this is a 2015 variant. It is done 40,000 kilometers and this is the ऐसी कार जिसपे कोई भी काम नहीं था कराने वाला। फिर भी एक मेरा प्रोटोकॉल होता है कि मैं गाड़ी खरीदवा के, ये तो गाड़ी खरीदवा के उसके सारे काम करवाता हूँ बिकॉज मेरी संतुष्टि होती है। This is another beast by BMW. So I am waiting for 2-3 years so that these cars go really cheap and then I'll buy a pre-owned car from someone else's money. बिकॉज किसी ने जिसने 80 लाख की ली है उसके पैसे टूट जाएंगे, वो 50 की बेच देगा। एनी हाउ दिस इज अनदर बीस्ट ऑफ अ कार। सो पॉइंट इज, डू वांट टू रेस, ट्राई करते हैं। एंड द गुड थिंग इज कि ये वाले कस्टमर ने मेरे को इसको भगाने की भी परमिशन दी हुई है, सो नो प्रॉब्लम ऑन दैट। आई होप वो भगाए, आई होप, आई जस्ट होप। आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, गाले भाई क्यों लिए नहीं लेंगे, आ गया। कम ऑन ब्रो, उसकी आवाज भी आ रही है भाई। यार उसको टॉल कंबल मिल गया, यार टॉल पे ना मैं को लंबी लाइन मिल गई, शॉर्ट लाइन में उधर आगे निकल गया एंड फाइनली वो यू टर्न लेके वापस चला गया इस रोड पर। सो दिस इज वेरी गुड रोड, दिस रोड गोज टू कसौली। बट द पॉइंट इज कि आई वाज रियली एक्साइटेड और आई वुड हैव गिवन अ टफ कंपटीशन, आई एम रियली श्योर बिकॉज दिस कार इज नट्स। एंड नो डाउट सबको लगा यार वो M340 आई है, वो ये है, वो आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल अबाउट द कार्स डायनामिक्स। दो सेकंड 0-100 आई थिंक दैट गोज फ्रॉम, उसका 5 सेकंड्स का कुछ टाइमर है, इसका 8 सेकंड का कुछ टाइमर है 0-100 का, बट इट्स ऑल अबाउट इन गियर एक्सेलरेशन एंड द डायनामिक्स ऑफ योर कार। तो पॉइंट इज दैट, तो ये गाड़ी ढूंढने के लिए मैंने फाइनलाइज यार कि A3 लेनी है, तो ये गाड़ी ढूंढने के लिए थोड़े थोड़े चैलेंजेस थे। सो आई एम टेलिंग यू व्हाई दिस कार इज लिटिल डिफरेंट। ये कार में ऑडी की डिजाइन लैंग्वेज चेंज हुई थी। सो जितनी भी लग्जरी कार्स हैं उनकी डिजाइन लैंग्वेज के एक जनरेशन होती है। लाइक अभी आप देख रहे हो BMW की सारी लाइटें अलग अलग सी हैं, आपस में सारी सिमिलर हैं, बड़ी बड़ी ग्रिल्स कर रहे हैं। तो हर कंपनी के एक डिजाइन लैंग्वेज का टाइम आता है, फिर सब गाड़ियों को वो अपग्रेड करते हैं और वो नई डिजाइन लैंग्वेज वाली गाड़ियां ऑब्वियसली पिछली वालों से थोड़ी थोड़ी महंगी हो जाती है। सो नो डाउट ये A3 2014 में आई थी, बट इट केम विद एन अपडेटेड डिजाइन लैंग्वेज जो सबसे पहले मेरे हिसाब से इसी कार में आई थी, या इसमें थी या एक A8 भी तब अपग्रेड हुई थी उस टाइम पे। A6 अपग्रेड हुई है 2018 में और A4 अपग्रेड हुई है 2016 में। तो यहाँ इस पे जाके ये वाले जो नॉब्स हैं इनके
और ऑटो क्लाइमेट वाले, ये गोल वाले, ये वेंट्स, ये सब कुछ, दिस स्क्रीन थिंग दैट आई लव अबाउट बी ए सिक्स, दिस इज लाइक द फर्स्ट क्लास थिंग जो आजकल की किसी गाड़ी ने सोचा भी नहीं होगा। दिस कम्स आउट लाइक सच अ पतला TFT डिस्प्ले, डायरेक्टली प्यार से अंदर से बाहर आता है। इफ आई टेल यू अबाउट द सनरूफ इज रियली ह्यूमंगस, दिस इज लाइक अ परफेक्ट स्पोर्ट्स कार फीलिंग, इट्स रियली अमेजिंग। बट इनका इन्होंने स्टीयरिंग व्हील पुराने डिजाइन में डाला है, जो उन्होंने 2010-11 में डालना शुरू करा था, तो A3 का भी स्टीयरिंग व्हील A3 के फेसलिफ्ट में चेंज होकर पतला वाला आ गया था, जो A4 में आया था, A4 में 2016 में आया था। सो दिस वॉज लाइक द न्यू जनरेशन ऑडी। इस करके सेकंड हैंड मार्केट में भी A3 के प्राइसेस कहीं ना कहीं कंपेरेबल टू A4 है, A4 से थोड़े से हायर है, बिकॉज इनका साल 2014-15 से शुरू हुआ था। बट द पॉइंट इज दिस कार वॉज एन अपडेटेड प्लेटफॉर्म, अपडेटेड चेसी, इट इज लाइटर, इट इज फास्टर, इट इज निम्बल, इट इज स्टिल सेफर, बट इट इज एन अमेजिंग कार टू ड्राइव। And the kick down is super awesome and it is so compact, so chipka hua, I just love this car. So about on finding this, that was a challenge, because just by the name Virgin Rides, we really find literally the virgin cars, and uska karan bhi kya hai ki humne ye naam rakha, because we just wanted to show people that what is the best of the best of the best, ki aisi gaadiyan ho jo bilkul bhi matlab pata bhi nahi lage ki second hand hai, that's the whole point of me starting this, because I know कि ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो सेकेंड हैंड आपको लगेगी भी नहीं, इट विल एक्चुअली फील लाइक न्यू, एंड दिस इज दैट वन कार। तो ऐसी कार ढूंढनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, तो लिटरली इट वॉज अ बिग सर्च, आई चेक ऑल दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, फोन करा लोगों को, व्हाट्सएप पे पूछता रहा, बिकॉज मेरे नेटवर्क से काफी कि यार ये ऐसी गाड़ी चाहिए, किसी ने बोला 60,000 चली है, 70,000 चली है, 80,000 चली है, एंड किलोमीटर आर स्टिल ओके, दे आर वेरी वेरी गुड मेंटेन, बट कोई भी गाड़ी मुझे एक्सट्रीमली गुड कंडीशन में नहीं मिल रही, नंबर वन। नंबर टू, there's a sports optional packages or sport line variants aate hain har ek brand mein, audi mein usko bolte hain s line, which is like the top end optional, to s line wale models mein ek choti si kit lagi hoti hai, which is like uske bumper different hote hain, side skirts different hoti hain, rear spoilers rear kit different hoti hai, for example agar aapko ek a3 2015 model mil rahi hai non s line aur a3 2015 model mil rahi hai with s line, to if you are just a good purchaser उसमें कोई फर्क नहीं है, लाइक जो कस्टमर है जिसने सेल करी है उसको बेचारे का कोई रेट नहीं मिलेगा इस लाइन गाड़ी का, 20,000 शायद ज्यादा मिल जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट ऑन आर फाइंडर्स कि हमें कौन सी गाड़ी मिलती है, या अगर वो रेयर कार विद लिमिटेड ऑप्शनल पैक विद स्पोर्ट्स किट कंपनी ने बनाई थी, तो उस टाइम शायद 4-5-6 लाख महंगी थी, अगर तुम सेकंड मार्केट में ढूंढ सकते हो देन इट्स अ बैंगर, बिकॉज एक्चुअली इट्स एट द सेम प्राइस। तो एंड आई फाइनली फेल ऑन दिस कार और ये मुझे मिल गई, विद 40,000 ड्रिवन, फर्स्ट ओनर, इंश्योर्ड फ्रॉम ए गुड ओनर, बिकॉज ये सब चेक करने के ना बड़े सारे तरीके होते हैं कि एक, और आई एम वेरी क्लियर कि यार मुझे फर्स्ट ओनर कार ही ढूंढनी होती है, बिकॉज जो भी लोग कहते हैं ना यार कि क्या नाम है यार कि कंपनी से बंदे पे ट्रांसफर है वैसे फर्स्ट ओनर है, आई एम टेलिंग यू दिस ऑल डज नॉट मैटर, बिकॉज मेरा रूल है मैं आपके नाम पे कार करवाता ही करवाता हूँ, एंड दैट इज द हेल्दियर पार्ट ऑल्सो। तो आप जब थर्ड ओनर बन जाओगे ना किसी गाड़ी का, तो वो कार सेल होनी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर तो आप कह रहे हो कि मुझे कोई सुपर कार स्पोर्ट्स कार लेनी है, मुझे बेचने से कोई मतलब नहीं है, देन इट्स ओके, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड डील जो एक्चुअली सेकंड ओनर है पेपर पे, बट कार बहुत अच्छी है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। बट उसके अलावा यू शुड नॉट बाय अ सेकंड हैंड कार अगर आपको अपने नाम पर ट्रांसफर करानी है, तो बिकॉज थर्ड ओनर कार ऑन पेपर सेल होनी मुश्किल है। तो फर्स्ट ओनर कार लेस देन 50,000 ड्रिवन, प्रिस्टीन कंडीशन, वर्जिन कंडीशन, एंड देन अ टॉप लाइन एस लाइन मॉडल, फाइनली आई फाउंड दैट एंड इट वॉज अ टफ जर्नी, एंड जो दिखने में भी स्पोर्ट्स कार लगती है सारा कुछ परफेक्ट, वी फाउंड दैट कार एंड आई वेंट देयर, चेक्ड इन, एंड तब भी ना मेरे मन में ये होता है कि उसमें प्लीज कुछ ऐसा अलग सा ना निकला है। एंड ये भी एक बात बताता हूँ, जब भी कोई सेकंड हैंड कस्टमर कार बेचता है, आप भी अपनी गाड़ी जब बेचोगे, आप वो गाड़ी को एक डीलरशिप की तरह नहीं बेचने वाले। फॉर एग्जाम्पल आपने कार रख रही है, हर कार के ना कुछ करंट वियर एंड टीयर होते हैं और कुछ फ्यूचर वियर एंड टीयर होते हैं, आपको पता होता है गाड़ी पे अभी ये खर्चा मांग रही है 5-10,000 रुपये ये होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कि यार की ठीक है अभी 30,000 चल गया, 40,000 चल गया, अच्छा यार इसके ब्रेक पैड्स दलने वाले हैं बट अभी ठीक है, अच्छा यार इसके ब्रेक पैड्स है आवाज आ रही है बट यार मैंने बेचनी है, मैंने क्यों चेंज कराने हैं। सो एज अ कार फाइंडर और अ कार हंटर आई हैव टू सी कि यार की उस गाड़ी में कौन से खर्चे हैं, कौन से खर्चे होने वाले हैं, और कोई खर्चा ऐसा तो नहीं है कि जो 5-10,000 पहले होना था बट अगले ने कराया नहीं, बिकॉज दैट्स लाइक देन द कार गोज इन टू रेड जोन कि आपकी की फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेक पैड्स आपने टाइम पे चेंज नहीं कराए और वो बातें करी जा रहा था चलाई जा रहा था, आपके रूटर घस जाएंगे, तो देन वो एक्सपेंस आपका 1x से 5x हो जाएगा, तो वो चीजें आर रॉन्ग थिंग, दैट मीन द ओनर वाज नॉट गुड। तो मुझे ये होता है कि जब भी मैं गाड़ी देखने जाऊँ, एक तो मेरे फाइनल प्राइस कितने पे उसको लेके आना है, नंबर वन, नंबर टू उस पर इमीडिएटली क्या क्या खर्चे होने वाले हैं। सो देन आई सॉ कि इस गाड़ी में दिस वाज द बेस्ट कंडीशन कार आई हैव एवर फाउंड। इसमें सीट्स पे कुछ उन्होंने ऑयल वगैरह से पता नहीं क्या करा होता है, इसकी सीट्स में कोई इशूज थे, उसके अलावा एवरी द होल कार वॉज प्रिस्टीन, सीट का काम मैंने करवा दिया,
और सिर्फ इसकी सर्विस, अब इस पर लिखा हुआ था कि सर्विस हुई हुई है, बट सर्विस जब हमने चेक करा तो 3,000-4,000 किलोमीटर बाद उसके तेल वगैरह ऑयल सारे चेंज होने वाले थे, तो फिर भी मैंने एक मेजर सर्विस भी करवा दी। दैट कॉस्टेड अस अराउंड मेजर सर्विस विद डीजल फिल्टर 12,500 रुपए, वो भी हमने सिर्फ करवा दी। कस्टमर से पूछ के यार कि आई वांट कि आपको कार की एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपको 2,000-4,000 किलोमीटर बाद शायद ये करवाना पड़ेगा, कहते करवा दो यार, वो करवा दिया। सीट्स इनकी रिपेयर करवा दी, सीट्स में भी क्या होता है, दीज आर ऑल ओरिजिनल लेदर सीट, जितनी लग्जरी गाड़ी है उनका ओरिजिनल लेदर वाला सारा सामान होता है, तो यू जस्ट कैन नॉट पुट नॉर्मल सीट कवर्स ऑन देम, इट्स नॉट दैट ईजी, यू नीड टू हैव परफेक्ट एक्सपर्ट्स, और हमारे पास वो सारे होते हैं कि उनको कैसे रिपेयर करना है, क्या करना है। इनके अंदर सीटों के अंदर एयर बैग्स होते हैं, सो दीज आर नॉट जस्ट अनदर कार्स, तो उनको मैनेज करना, मेंटेन करना भी एक डिफरेंट सा चैलेंज होता है। तो इनकी सीट्स वाला काम करवा दिया, गाड़ी सर्विस करवा दी, एंड देन इनके जो टायर्स थे उसमें थोड़ी प्रोफाइल पतली थी, दिस हैज गॉट 17-inch व्हील्स विच इज लिटिल बिगर फॉर दीज कार्स, बट क्योंकि स्पोर्ट्स था नॉर्मल, इसके अंदर इसमें बड़े बड़े टायर डले हुए हैं और प्रोफाइल कम थी, और इंडिया का बेसिक लॉ है आप जब भी लग्जरी कार लेते हो आई मेक श्योर कि मैं उनके सबके टायर चेंज करवा के देता हूँ और राइट प्रोफाइल करा के देता हूँ। तो इस पे लगा हुआ था 225/45/17, आर ऑप्शन वाज 225/50/17 और ऑप्शन वाज 225/55/17, दैट इज 55/17, सो 225/55/17 अगर होता तो एक कार की राइड क्वालिटी और बेटर हो जाती। अनदर गुड थिंग इज व्हाई आई लव स्टिफर कार्स, बिकॉज अगर गाड़ी की सस्पेंशन स्टिफ है आप टायर्स के साथ प्ले करके गाड़ी की राइड क्वालिटी बेटर कर सकते हो, और तो दैट इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, आपको बहुत अच्छी डायनामिकली स्पोर्ट्स के हिसाब से कार मिलेगी और आपके टायर थोड़े होने के कारण आपको अच्छा कुशन मिल जाएगा, तो खड्डों में भी सही से निकलेगी। बट अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन सॉफ्टली सेटअप है तो उसको स्टिफ नहीं कर सकते, उसका कोई हल नहीं है, एज लॉन्ग एज एयर सस्पेंशन नहीं है उसमें, वो बात और। तो वो एक चीज थी, दिस वाज आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, बट द गाय बिकॉज ही वाज आल्सो फास्ट ड्राइवर, वो कहता है ज्यादा प्रोफाइल मोटी मत करो, 50 तक कर लेते, तो हमने 50 तक कर ली, वो टायर मैंने डलवा दिए। तो मेरे पास एक जुगाड़ है जिसमें 90% 95% टायर्स की लाइफ वाले टायर्स अच्छी कंपनी के 14-15 हज़ार में सेट आपको डलवा के दे देता हूँ, बिकॉज लोगों के लिए नए टायर 10-15 हज़ार के होते हैं पर टायर, इसका नॉर्मल 12-13 हज़ार का एक टायर है, तो 40-50 हज़ार का सेट पड़ता पूरा, बट नॉट टू अस। सो दैट इज अनदर थिंग दैट आई मेक श्योर। बेसिक पॉइंट ये है कि जब भी कोई कस्टमर आपसे कार ले यार, उसको ये ना लगे कि मैंने एक सेकंड हैंड चीज ली है, उसको ये लगे कि जैसे मैंने एक शोरूम से जाके कोई 11-12-13 लाख की क्रेटा शोटा फुटू से लेनी थी, वो लेने के बजाय मेरे को एक घर पर इतनी सुंदर बढ़िया कार आ गई जिसको मैंने लेना है, एंड जस्ट हैव टू ड्राइव इट हार्ड एंड जस्ट एंजॉय इट, दैट्स द होल पॉइंट, एंड दैट्स द रीजन वाई वी स्टार्टेड वर्जिन राइड्स, एंड दैट्स द होल गोल ऑफ इट। देन मैंने सिरेमिक कोटिंग भी करवा दी, बिकॉज जब भी कोई पुरानी कार होती है, ये तो पुरानी है नहीं, 2015-16 इज नॉट दैट ओल्ड, बट जब भी कोई पुरानी कार होती है मेक श्योर कि उसमें पेंट करेक्शन और सिरेमिक कोटिंग आप करवा लो, बिकॉज दैट एक्चुअली जो एक थोड़ा बहुत ग्लो ग्लो भी उड़ चुका होता है कार का या कुछ भी, बिल्कुल आपकी कार की फीलिंग और विजुअल भी बिल्कुल नए वाले हो जाते हैं, और सिरेमिक कोटिंग भी हम 10-15 हज़ार में करवा देते हैं इंक्लूडिंग पेंट करेक्शन एवरीथिंग। सो ये सारा कुछ, मतलब आई रिकमेंड कि आप जब भी कार हमसे खरीदो तो 30-40 हज़ार उसके ऊपर का अलग से बजट रखो, कभी कभी मैकेनिकल खर्चे भी 30-40 हज़ार का होता है, 30-40 हज़ार तो मैकेनिकली मान के चलो, 10-20 हज़ार ऊपर मान के चलो, 50,000 एक हेल्थी बजट है जो आपको रखना चाहिए, जो आपको कार पे खरीदने के बाद लगाना चाहिए, और ऑलरेडी हम आपको गाड़ी 2-4 लाख तो मार्केट से सस्ती दिला देते हैं, तो आपको 40,000 का बजट ऊपर रखना चाहिए, जिसके साथ आप ये हो जाओ कि यार कि मैंने अब गाड़ी ली, अब मुझे अगले 20-30 हज़ार किलोमीटर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ब्रेक पार्ट चेंज होने वाले थे कर दो, एक वो काम होता है ना जब आप मैकेनिक के पास गए और कहते हैं अच्छा ये भी उन्होंने कर दे यार, ये भी कर दे यार, वो कह रहा अभी जरूरत नहीं है, कह रहा कर दो यार, वो चीज़ होता है ना कि करा दो यार, सदर जब मैं चलाऊं तो एंजॉय करूं, तो वो वाली चीज़ हम करवा के देते हैं, तो आपको करवानी चाहिए, एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ गिविंग दैट एक्सपीरियंस। और अगर आप कोई वर्जिन राइड्स इन्वेंटरी से कार लेते हो, लाइक करंटली वी हैव अ पोर्शा कायन, तो अगर वो कार लेते हो उसमें हम वारंटी देते हैं और उसमें सब कुछ हमने पहले ही कराया होता है, दैट्स लाइक अ कार जिसमें बिल्कुल प्रिस्टीन, आप आज पैसे तो आपको कल डिलीवर कर देते हैं, एंड देन वी टेल यू कि यार दिस इज योर कार जस्ट एंजॉयड फॉर नेक्स्ट 20-30,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की हम वारंटी देते हैं ताकि अगले को टेंशन ना हो, एंड यू गेट अ बेस्ट डील एट ऑल। तो थोड़ा सा इस पर कट मार के दिखाऊं, दैट व्हाई आई लव दिस कार। आई बेट 91 टायर से थोड़ी थोड़ी नॉइस आ रही है, बट द कार चेसी अल्टीमेट। सो इन ऑल द जर्मन कार्स जब आप रेस देते हो लास्ट पे जाके एक क्लिक होता है, दैट इज लाइक वैन यू टेल योर कार, और ये नॉर्मल किसी ऑटोमेटिक में नहीं होता, जर्मन में ही है, दैट इज नोन एज किक डाउन, दैट इज लाइक योर कार विल जंप डाउन 2-3 गियर्स, इट विल गो टू द मैक्स पोटेंशियल। अगर आपको याद होगा मैंने 520 इस रोड पे भगाई थी और उसकी पिकअप इतनी अच्छी नहीं थी, आपको जीप लगेगा बात क्या आपको लगेगा यार, दैट वाज अ 2 लीटर 180 bhp, दिस इज अ 2 लीटर 150 bhp और 140-150 bhp, व्हाई वाज नॉट वो गाड़ी इतनी क्यों नहीं उठ रही और ये क्यों उठ रही है, यही होता है कि हर गाड़ी के वेट के हिसाब से, पावर के हिसाब से, इंजीनियरिंग के हिसाब से हर गाड़ी की पिकिंग का अलग होती है। एग्जैक्टली इस रोड की वीडियो थी वो, और वो गाड़ी को उठाने में बहुत टाइम लग रहा था, तभी मैंने उस दिन रियलाइज करा कि 5 सीरीज 2 लीटर इंजन में कोई मजा नहीं है,
आई डोंट नो हाउ दे बिल्ड अप द न्यू वन, बट जो ओल्ड वाली BMW अगर आपको वो भगानी है तो एटलीस्ट बाय 525 और 530. सी द ग्रिप मैन. एंड यस आई कैन नॉट गो टू BIC, आई एम रियली सॉरी. दिस इज अ स्मॉल कॉम्पैक्ट कार. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे. इससे ज्यादा भगाने वाली आई थिंक ड्राइव रिव्यू मैं अलग से बना लूंगा, जिस पर मैं ज्यादा इस घर को अब्यूज नहीं करना चाहता. बट इफ यू वांट टू गेट अ कार फ्रॉम अस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस. वी लव टू डिलीवर कार्स एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग दैट आई रियली रियली लव. सो इसको करने का अलग ही नशा. एंड आई एम रियली सीइंग यार कि द कस्टमर्स आर आल्सो रियली हैप्पी, बिकॉज उनको इतनी बातें नहीं बताते जितना हम अपने दिल से वो चीज अच्छी करके दे देते हैं. इतनी बार तो पैसे भी नहीं बचते जितना पैसे ले रहे हैं उनसे, बट बिकॉज इधर उधर गाड़ी लेके जाने में ये सब करने में. बट द पॉइंट इज द प्रोसेस इटसेल्फ इज रियली अमेजिंग एंड एवरीवन दैट वी हैव डिलीवर्ड अ कार टू, दे आर ऑल लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी. एंड देन द रीजन आई एम नॉट टेलिंग यू द प्राइस, बिकॉज ऑल क्लाइंट्स व्हेन वी बाय दैट कार फॉर देम दे आर लाइक इतनी सस्ती किसी को बताना मत यार. सो दैट इज द रीजन आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली हमने कितने में डील ली है, बट इट्स एन अमेजिंग कार. एंड आई थिंक इवन श्लोक द गाय हु हैज बॉट दिस थ्रू अस, उसको ये आई थिंक दो तीन दिन में कार डिलीवर हो जाएगी. सो बिकॉज ही इज इन बैंगलोर, सो ही कैन टेल यू द बेटर एक्सपीरियंस. आई कैन शेयर हिज वीडियो इफ आई गेट इट सून. सो सी यू, टेक केयर, बाय, चाओ.